अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का आईयूपीएसी नेम करना है तो चलिए रूल याद कीजिए, रूल नंबर फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या होगा इसका नेमिंग करते वक्त? देखो पहला रूल कहता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। कैसे पेरेंट चेन को सिलेक्ट करें, ऐसा क्या होना चाहिए? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, जब भी आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने जाओ तो प्रायोरिटी देखो किसको देंगे हम लोग। सबसे पहले देते हैं मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अनसेचुरेटेड तो डबल भी हो सकता है ट्रिपल भी हो सकता है, तो प्रायोरिटी आपको मल्टीपल बॉन्ड्स पे देना है। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर साइड चेन। जहां पर ज्यादा हमको पाई बॉन्ड मिलेगा हमको उधर ही काउंट करना होगा, उधर से ही लोकेट नंबर देना होगा। यानी कि बोल सकते हैं पेरेंट चेन हम लोग वैसे चेन को लेंगे, इज सिलेक्टेड विच इंक्लूड मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीपल बॉन्ड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब हमको पैरेंट चेन उसी को लेना है जिसमें मैक्सिमम कार्बन के साथ मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। ध्यान है, ये दोनों बात को ध्यान में रखा गया इसको। वैसे ही आप लीजिए जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके, आपको वही पैरेंट चेन को मानना है। फॉर एग्जाम्पल दे रहे, इसको मिटा रहे, देखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल फर्स्ट हम ले रहे हैं CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। बताओ इसमें हम लोग को क्या लेना है, पेरेंट चेन लेना है, कौन सा लें, किधर से लें? तो 1 2 3 4 5, इधर से तो 5 है, 1 2 3 4 इधर से 4 है, तो क्या लगता है आपको 5 ले लें या 4 ले लें? तो देखिए आपको वही पेरेंट चेन को मानना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो इधर जब मूव कर जाओगे तो एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं मिलेगा, तो मल्टीपल बॉन्ड बच्चे इस साइड से मिलेगा। तो आपको कार्बन तो चेन को देखना ही है बाद में, पहले तो देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड कहाँ ज्यादा हमको मिल पाए। तो इधर से ज्यादा मिलेगा तो उधर को भूल जाएंगे, तो ये साइड चेन बन गया और ये तुम्हारा हो गया पेरेंट चेन। तो नेमिंग क्या करते हैं, साइड चेन का नेमिंग पहले लिखते हैं। क्या लिखोगे इसका नेमिंग? टू ना, टू इथाइल। और चार के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट ब्यूटिन लिख दो या फिर ब्यूट, क्योंकि अब एन नहीं लिखेंगे ना क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ चुका है, तो ब्यूट वन ही लिखो, चाहे वन पे नहीं भी लिखोगे तो वन ही माना जाता है। चलो एक और क्वेश्चन देखो तुम लोग, CH3 CH2 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 CH2, क्या लगता है क्या लिखोगे इसका नेमिंग? मेन चेयर समझ में आ गया कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 ये वाला होगा मेन चेयर। यस मैम। यस यस खाली तुम्हें बोलो ये पेरेंट चेन, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होगा।
नेमिंग क्या होगा, नेमिंग को आप रहने दीजिए, नेमिंग बाद में बताएंगे इसका हम। एक और देखो, CH3 CH double bond CH C CH CH3 CH3 और CH2 CH3, देखो तो कौन सा होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कहीं से गिन रहे तो सिक्स ही आ रहा है, तो इधर से क्यों नहीं। क्या मैक्सिमम बॉन्ड, चलिए भाई क्या बोल रहे नहीं। अच्छा पहले नहीं, नहीं पहले रूल रूल कैसे सिलेक्शन कर रहे हैं आपने। हाँ मैक्सिमम साइड चैन है इसके अंदर, देखो ध्यान से। ओ ये कहां से गया, ये तो साइड चैन मैक्सिमम वाला नहीं है। देखो साइड चैन इधर कितना है, तो 1 2 3, एक साइड चैन इधर भी बन रहा है, एक साइड चैन इधर भी बन रहा है। इधर से काउंट करेंगे तो साइड चैन सिर्फ एक ही बनता। चलो ठीक है, अब आपको नंबरिंग का रूल बता रहे कैसे लोक एंड नंबर लिखते हैं, ये तो आपको बताया, सिर्फ पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसा होता है। सेकंड रूल लिखो, रूल नंबर टू क्या, रूल नंबर टू लिखिए फटाफट। रूल नंबर टू कहता है कि अब जब भी नंबरिंग करने जाए, यानी कि नंबरिंग रूल है, मतलब बोले तो लोक एंड नंबर है। नंबरिंग रूल देखो क्या कहता है, तो नंबरिंग रूल जो प्रायोरिटी जो दिया जाता है वो आपको, वो हम लोग क्या देख के देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन और फिर साथ में प्रीफिक्स रूल भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन, प्रीफिक्स रूल, ये सब सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमको नंबरिंग करना होता है। देखो कैसे, सपोज CH3 इधर है, यहां पर CH है और नीचे में भी CH3 है, बगल में है CH और डबल बॉन्ड के साथ CH2। तो नंबरिंग करना है तो पहले बताओ पैरेंट चेन कौन सा है, नंबरिंग बाद में। चलिए ठीक है, ये स्ट्रेट है मान ली। काउंटिंग किधर से करें, तो जहां से क्या हो मल्टीपल बॉन्ड नजदीक हो, हाँ तो ये हो गया 1 2 3 4। नेमिंग क्या बोलोगे, तो रूल नेमिंग का याद रखो, पहले साइड चेन का नेमिंग करते हैं। ब्यूट वन पर ही है ना, ब्यूटिन वन इन पे भी चल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, CH3 CH2 C CH3 और यहां पर आपका है डबल बॉन्ड CH2 CH3। चलो इसका नेमिंग बताओ क्या होगा, पांच कार्बन ये है। चलिए बताइए नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगा। पहले डबल बॉन्ड को देखना है फिर साइड चेन को देखना है, तो इधर करेंगे तो दो नंबर पे, इधर भी करेंगे दो नंबर पे, इधर करेंगे तो तीन नंबर पे आ जाएगा। तो कहां से करें बोलो, 1 2 3 4 5। चलो नेमिंग बताओ, नेमिंग धीरे धीरे कर करके तुम सब बोल रहे हो उसी में।
क्योंकि डबल बॉन्ड है बच्चे, वो क्या है, इस डबल बॉन्ड इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, नजदीक कौन है, टू, तो टू ही बोलेंगे। डबल बॉन्ड दो कार्बन से हमेशा अटैच होता है, जो नजदीक होता है उसको ही नंबर देते हैं। क्या देखो अगला क्वेश्चन पर फोकस, CH3 CH2, C डबल बॉन्ड, यहां पर है CH3, यहां पर है C, इसके नीचे है CH2 CH3, यहां पर है CH2 और यहां है CH3। चलो इसका नेमिंग देखो क्या होगा, बड़ा फास्ट बता रहा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी 6 नहीं आ रहा। चलिए बताइए अब इसका काउंटिंग किधर से करें, ओके, नंबर कहां कहां से दिया जाए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चलो बताओ क्या क्या होगा, अरे पहले काउंटिंग इधर से पता नहीं चला किधर से कर, राइट साइड से क्यों, डबल बॉन्ड तो इधर से भी तीन, इधर से भी तीन पड़ा, डबल बॉन्ड को तो पहले देखना है कि नजदीक उसका लोकेट नंबर हो, लेकिन डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से जब तीन है तो दोनों साइड चेन पे देखेंगे, तो साइड चेन का भी लोकेट नंबर सेम है इधर से, तो फिर क्या चेक करेंगे, अल्फाबेटिकल पे आएंगे, फिर फिक्स रूट पे आएंगे। हाँ, तो अब नेमिंग बोलो क्या होगा, एक्स कुछ भी बोले तो मतलब वैसे बोल रहे बोला सब में जोड़ दे रहे हैं ना, ये इसको एक्स से नहीं बोल सकते, इसका पोजीशन बताना पड़ेगा ना, एक्स का मतलब हो गया वन पोजीशन पे है। सिर्फ वन के लिए वैलिड है बस, बाकी किसी के लिए नहीं है। चलो इसका नेमिंग देखो, स्ट्रेट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, yes। आगे बोलो काउंटिंग किधर से, नीचे या ऊपर से, नीचे से, डबल बॉन्ड 1 2 3 नंबर पे आ गया, 1 2 3, डबल बॉन्ड तो कहीं से भी तीन नंबर पे है, तो फिर क्या चेक करोगे, साइड चेन, तो साइड चेन दो नंबर पे तीन नंबर पे गया ये पीछे। चलो नेमिंग बताओ क्या होगा, आनंद तो पूरा एकदम बोल रहा है सब में, थोड़ा इसका बोल रहा है, थोड़ा उसका बोल रहा है, थोड़ा उसका, सब सही हो जा रहा है, ऐसे का नहीं रहेगा, अब जिससे जो पूछेंगे वही बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, चलो इसको कौन बताएगा, एक मिनट सर देख लो इसको कौन बताएगा, जो बताएगा पहले अपना नाम बताए, बोलिए ठीक है, वेरी गुड। देखो बच्चे लो ट्रिपल बॉन्ड नजदीक किधर से होगा, किधर से बिगिन होगा, दो ही नंबर पे आएगा, तो चार के इसमें तो कोई साइड चेन है ही नहीं, साइड चेन नहीं होता तो फिर क्या लिखते हो, वर्ड रूट, चार के लिए क्या लिखोगे, म्यूट, टू नंबर पे वाई एन ई। चलिए अगला क्वेश्चन बताया जाएगा, अगला क्वेश्चन रिया बताएगी,
रिया का गलत होगा तब कोई और बताएगा। चलो रिया बताओ इसका नेम। तब तक बच्चे तुम लोग भी तैयार रखो, जिससे अब नंबर देंगे मान लो रिया गलत होगा तो उसके बाद जैसे पूछेंगे उसको तुरंत बोलना, टाइम ही लगाना उसको है। बोल दो पूरा, हम सुन रहे, बोल पूरा बोल दो। बस यही आंसर है, 2-2-3-pentyl। चलिए आगे और कोई बोलेंगे इसमें, एक मिनट रुके, आप लोग नहीं बोलेंगे हम ही बोल रहे हैं। चलो अभिषेक बताओ तुम, अभिषेक फिर से बोलिए, नहीं समझ में आया ठीक से आपका, फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं। 4, अब तुम्हारे तो बहुत ज्यादा फेवरेट करते हो। और बोलो जी दिव्यांश साहब बोलिए क्या इसका नेमिंग होगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। 4-4-dimethyl, 5 के लिए लिखोगे पेंट, 2-YNY। तो ये तुम्हारे पास अनसेचुरेटेड का नेमिंग खत्म हो चुका है। अब आपको दे रहे हैं पॉली एल्किन्स एंड पॉली एल्काइन्स, मिटा रहे चलो इसको। आईपीसी नेमिंग समझा रहे हैं, लेकिन इस बार आपके पास क्या है, 4 पॉली एल्किन्स एंड पॉली एल्काइन्स। पॉली एल्किन्स एंड पॉली एल्काइन्स लिख दीजिए। पॉली एल्किन्स एंड पॉली एल्काइन्स का देखो मतलब क्या है, लिखो कि वी एड अल्फाबेट ए कब टू द वर्ड रूट, टू द वर्ड रूट इन इन देयर आईपीसी नेम। इन देयर आईपीसी नेम कहोगे कि मतलब ही नहीं समझ में आया, समझो इसको ध्यान से। पॉली एल्किन्स का मतलब है किसी भी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड्स एक से ज्यादा मिल सकते हैं, तो सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड्स मान लो कि एक से ज्यादा अगर प्रेजेंट है, जैसे कहोगे नहीं समझ में आया इसका भी मतलब, जैसे यहां समझो मान लो ये क्वेश्चन मिल गया आपको नेमिंग करने के लिए, तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड क्या है, दो दो है, क्या कीजिएगा फिर, तो आपका मेन चेन तो यही होगा और डबल बॉन्ड नजदीक यहां से दो नंबर पे, यहां से एक नंबर पे है, तो यहीं से काउंटिंग करेंगे हम लोग। तो साइड चेन है नीचे, तो वर्ड रूट पे आएंगे, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, नॉर्मली पेंट लिखा जाता है, लेकिन आज पेंट नहीं होगा, आज होगा पेंटा। कभी भी मल्टीपल बॉन्ड्स अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट हो तो पेंट को आप लिख दे पेंटा, ब्यूट को आप लिख दे ब्यूटा, हेक्स को लिख दे आप हेक्सा, तो क्या बोलोगे, पेंटा 1 पे है, हाँ ये 1 नंबर पे है, और किस नंबर पे है, 1.3, ये दोनों सेम है तो डाई इन, यानी कि डाई भी कह सकते हम लोग, ठीक है, पेंटा 1.3 डाई इन। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि मल्टीप्लिसिटी अगर एक से ज्यादा, मल्टीपल बॉन्ड्स अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट हो जाती है तब वहां पर आपको ए वगैरह यूज करना पड़ता है। और प्री प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, हाँ यहां पर तो ए लगाते ही लगाते हैं, एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो यहां पर पेंटा हेक्सा हेप्टा सब चलेगा, अब यहां पर 3 होगा तो ट्राइन लगेगा, 4 होगा तो टेट्राइन लगेगा, बस मल्टीपल बॉन्ड सेम टाइप प्रेजेंट होगा तब का ही रूल आगे, सेम टाइप अगर नहीं है तो फिर क्या अलग से लिखेंगे, इन अलग लिखेंगे, वाइन अलग लिखेंगे,
उसके लिए भी हमारे पास है क्वेश्चंस। पहले ये नोट कर लीजिए, इस पर कुछ क्वेश्चन देंगे, फिर आपको ये भी बताएंगे कि दो तरह के मल्टीपल बॉन्ड्स अगर एक ही क्वेश्चन में प्रेजेंट हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, हो गया अब तक, चलो मिटा रहे इसमें। देखो इसका लिविंग बताओ तुम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, चलो जल्दी से लिविंग बताओ फास्ट। इसका नेमिंग बताएगा कौन? इसका नेमिंग बताया जाएगा, चलो सौम्य तुम बताओ इसका नेमिंग। फर्स्ट वाले का नेमिंग क्या होगा? चलो वेरी गुड, एक्सा 1.3 डाइईन। चलो इसका तुम बताओ नैंसी, नीचे वाले का। अब चलो थोड़ा अपना वॉल्यूम कम कर रखो तो। चलिए बोलिए, सेकेंड का नेमिंग नहीं बनेगा? एक मिनट ज्यादा ही टाइम हो जाएगा फिर, कोशिश करो बच्चे लोग जल्दी जल्दी, तब तक तीसरा भी बना के बैठ जाओ तुम लोग। क्योंकि याद रखना है, अब नेक्स्ट क्लास से आपको हम बताएंगे फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस, ये तो आपको मैं स्टार्टिंग से बता रही है रूल्स क्या क्या होते हैं। इतना लेट? वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ गया बच्चे लोग, सब लोग यही तीनों बनाए थे। क्या था बोली? तो कितना बोली, टू फॉरिन बोली, क्या बोली हुई नैन से? थ्री थाइल, अच्छा थ्री थाइल फोर मिथाइल, और फिर क्या एग्जा 2.4 और डाई। और नीचे वाला बताएंगे एग्जा अब कहां पर, अब कितना पेन लिख दो तू? हाँ नहीं नहीं साइड चेन पहले नेमिंग होता है ना, ये तो वर्ड रूट आता है ना, साइड सेम चेन ये है, ये वर्ड रूट है, तो वर्ड रूट मैंने बताया था ए लगता है। चलो ये आनंद, आनंद नंबर थर्ड का बताइए। अभी भी सोचिएगा, जल्दी करो जल्दी, टाइम कम हमारे पास है। पेंटा एक मिनट में 1 2 3 पर क्या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? डाई आई
चलो बच्चों ये सब तुम्हारा हो गया नेमिंग। जब सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे मोर देन वन, अब आ जाओ तुम लोग नेमिंग करो इसका। एल किनाइन, एल इन आइन, वो समझो इसका, इसका नेमिंग कैसे करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। चलिए इसका नेमिंग करना है तो आप लोग तो मत कीजिए, अभी आपको हम बता रहे हैं इसका नेमिंग कैसे करते हैं। पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में चेक करना पड़ता है कि मल्टीपल बॉन्ड किधर से नजदीक है, मल्टीपल ये भी है मल्टीपल ये भी है, तो कौन नजदीक किधर से है। ये एक ही नंबर पे, ये दो नंबर पे, तो इधर से क्यों गिने हम, ये एक नंबर पर नहीं गिनेंगे। अब नेमिंग के लिए कोई साइड चेन नहीं है, साइड चेन नहीं है तो वर्ड रूट पे आते हैं। वर्ड रूट पांच है तो पांच के लिए पेंट लिखेंगे, ना कि पेंटा, पेंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेम टाइप का मल्टीपल बॉन्ड जब एक से ज्यादा प्रेजेंट होगा तब ना, सेम टाइप का मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, अलग अलग है और एक से ज्यादा भी प्रेजेंट नहीं, सब एक ठो है। तो पहले तो सिर्फ लिखेंगे पेंट, और पेंट के बाद क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे डबल बॉन्ड का, फिर लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। तो पेंट पहले देखो इन लिखा जाता है, यानी कि पेंट वन इन और थ्री 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 नजदीक वाला आई थ्री। बताइए तो इसमें हम क्या चीज अलग लिखे हैं, ध्यान दिए आप लोग हैं, ई एन पूरा ई नहीं लिखे हैं, देख रहे हो, ई एन ही तक लिखना है, पूरा ई नहीं लिखना है। पूछो क्यों नहीं लिखना है, यहां पढ़िए ई एन तक लिखा हुआ है। वो इसलिए नहीं लिखना होता है पूरा इन, क्योंकि अगर आपने यहां पर पूरा इन लिख दिया तो इसका मतलब है कि आपने नेमिंग कंप्लीट कर दिया, फिर आपका भी ई लिखना बाकी है, मतलब अभी किसी और को भी इंक्लूड करना बाकी है, इसलिए यहां पर पूरा ई नहीं लिखते हैं, ई एन तक लिख के ई छोड़ देना पड़ता है। एक और क्वेश्चन देखो, रूल्स बच्चे लोग बहुत होते हैं, यही भी आपको बता रहे, रूल्स आपको सब याद है तो फिर आईपीसी में आप मास्टर बन जाएंगे फिर। चलो इसका नेमिंग बताओ, इसका नेमिंग बताएंगे अर्नो। चलिए और कोई बना लिया बच्चे इस क्वेश्चन को, थ्री मिथाइल, थ्री, हाँ ठीक है। अब एक क्वेश्चन देंगे जिसमें आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज्ड, हो सकता है आपके मन में वो क्वेश्चन आ भी चुका होगा। क्या देखिए, सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड, सी सी एच थ्री लीजिए। किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन आया था, नहीं आया तो अब ला दीजिए, कहां से काउंटिंग कीजिएगा सोचिए, राइट साइड से भी करेंगे तो क्यों, इस तो मल्टीपल बॉन्ड तो दोनों है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले पहले रूल लिखेंगे, पहले रूल लिखेंगे, लिखो व्हेन डबल, याद रहे जितना रूल बता रहे हैं सब रूल को फोकस करते रहना सब, व्हेन डबल बॉन्ड, क्योंकि इस बार टेस्ट में आपका सिर्फ और सिर्फ आईपीसी ने मारा बस, व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट सेम लोकेंट, सेम लोकेंट फ्रॉम द आइदर इंड एंड पेरेंट चेन पेरेंट चेन वी नंबर द पेरेंट चेन वी नंबर द पेरेंट चैन गिविंग। सब लोग बच्चे लोग स्पीकर बंद कर लो, तुम लोग हल्ला पीछे ज्यादा हो रहा है।
वी नंबर द पेरेंट चेन गिविंग प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड. जब भी आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम लोकेंट नंबर पे आ जाए तो हम लोग को प्रायोरिटी पहले देना डबल बॉन्ड को. डबल बॉन्ड से ही स्टार्ट करेंगे, ये हमें ही मिला है ऑर्डर करने के लिए. ध्यान रखिएगा इस बात का. बताओ डबल बॉन्ड के तरफ से ही काउंटिंग स्टार्ट. जब सेम लोकेंट नंबर आ जाए तब ध्यान रहे, सेम आ जाएगा तभी ये काम कर सकते हैं. डिफरेंट पोजिशन पर होगा तो जो जहां से नजदीक होगा उसके लिए काम होता है. अब ये दिमाग मत बैठाना कि डबल बॉन्ड जहां से होगा वहीं से नजदीक, ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे ही नहीं. सेम लोकेट नंबर आ जाए तभी आपको ये काम करना है. तो नेमिंग बोलो क्या होगा इसका. एक्स टू इन वाई एनी वाई. ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन अभी और है. इतना जल्दी तो हमारा कंप्लीट ये हो नहीं रहा है. टाइमिंग देख लेते एक बार. ठीक है बच्चे लोग, इसमें भी और भी क्वेश्चन है ट्राई करने के लिए. कभी कभी आपको क्वेश्चन अभी अभी तो आप सिंपल देख रहे ना मेन चेन में, कभी कभी साइड चेन में भी आ जाते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स. तो साइड चेन में अगर मल्टीपल बॉन्ड्स आएंगे तो क्या करेंगे आप लोग, कैसे उसका नेमिंग करेंगे. एक काम करो ना, लिख लो 5 मिनट, नहीं तो फिर कल हम सोच रहे हैं फंक्शनल ग्रुप से दे बता है. लिख लो 5 मिनट में हो जाएगा. थोड़ा सा फास्ट लिखना होगा सबको. लिखो तो पहले तो लिखने वाला काम होगा. इफ All double bond, if all double bond and triple bond, if all double bond and triple bond present in the molecule cannot be included in the longest chain, such prefixes are used. जैसे मान लो कि CH2 double bond है और ये main chain में count नहीं हो पाया, इसके लिए क्या प्रीफिक्स लिखेंगे, इसके लिए क्या साइड चेन की नेमिंग क्या लिखेंगे. तो एक कार्बन है तो मिथिलीन बोलेंगे. मिथाइल होना चाहिए था लेकिन डबल बॉन्ड भी है इसलिए मिथिलीन बोलेंगे. अगर मान लो कोई चीजें आपके पास ऐसे अटैच है, दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथाइल. अब अगर मान लो कि तुम्हारे पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, इसको क्या बोलेंगे. तो देखो ये बीच में आ गया डबल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे एथ. और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, इन. और लास्ट में क्या जोड़ते हैं, YL, एथिनाइल. अगर इस तरह का कोई मान लो बॉन्ड तुम्हारे पास अटैच है साइड चेन में, ये सब साइड चेन के नेमिंग बता रहे हैं, तो एथ YN, एथ आइन और फिर YL. देखो सब खतरनाक तरीके का नेमिंग दिखना होगा, सब ऐसे इसका नेमिंग चलता है. एक दो क्वेश्चंस बता रहे हैं बस. जैसे सपोज करो ऐसा क्वेश्चन मिल गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, C यहां पर है डबल बॉन्ड ऊपर में मिल गया CH2, यहां मिल गया CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नेमिंग पहला क्या होगा चेक करो. फिर CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, और एक मिनट यहां पर भी है CH डबल बॉन्ड CH2. चलिए दोनों का नेमिंग पहले कीजिए आप लोग. अब देखिए इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा, इससे मल्टीपल बॉन्ड भी मैक्सिमम हो सके. तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
हमको डबल बॉन्ड भी ज्यादा देखना है और मल्टीपल बॉन्ड भी उससे ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो आप कहेंगे कि स्ट्रेट चेन लेंगे क्योंकि इसमें भी दो मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन के नंबर भी ज्यादा है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें कार्बन के नंबर कम है, दो ही मल्टीपल बॉन्ड होना लेकिन कार्बन के नंबर कम है, तो आपको ये लेना पड़ेगा। हाँ नेमी बोलो, क्या बोलोगे? अब फिर पेंटर वन, नेक्स्ट बोलिए इस, चलो चलो इसका बताओ, इसका इसका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव, तो सिक्स दिख रहा है तो फाइव पर क्यों जाए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक मिनट ये भी देख लो, लेकिन बात तो बराबर ही है ना, वन टू इधर से भी थ्री आ रहा है, इधर से भी थ्री पर ही आ रहा है, ये समझ में आ गया इधर से, क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड दो नंबर पे, यहां से एक ही नंबर पे था, ये हो गया साइड चेन। इस साइड चेन का नेमिंग क्या है? थ्री, हाँ थ्री एथ इन वाइल, हाँ थ्री एथनाइल और फिर हेक्सा, कैसे होगा बच्चे लोग? हेक्सा किस लिए? वन इन, देख के ध्यान से, हाँ हेक्सा इसलिए लगाएंगे क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड जिसमें आप पैरेंट चल रही है उसमें मल्टीपल बॉन्ड डबल नहीं प्रेजेंट है, दोनों नहीं प्रेजेंट है एक साथ। चलो हो गया, इसका नेमिंग कर लिया ना, ये सब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन में आता है, ये सब इजी इजी क्वेश्चन नहीं है। इससे ज्यादा रहेगा आप लोग मेहनत पूरा भरपूर रखिएगा। देखो इसका नेमिंग, इसमें यहां पर डबल बॉन्ड भी है, याद कैसे करना है, रटना वाला थोड़ी ना बता रहे, इतना रूल बता रहे सब। चलो यहां देखो इसका, इसका नेमिंग क्या बोलोगे? रूल को याद रखना पड़ेगा। अब बच्चे लोग डबल बॉन्ड कहा गया है कि जहां से वही पर नजदीक पड़े उसको आप काम करिए, तो डबल बॉन्ड नजदीक तो यही से होगा, वन टू थ्री, अभी मत करते हैं कि वन यही लिखेंगे, वन क्यों लिखोगे? क्योंकि आपको बताया गया कि डबल बॉन्ड आपका एक फंक्शन ग्रुप की तरह काम करता है, तो डबल बॉन्ड जहां से नजदीक पड़ेगा साइड चेन तो बॉन्ड में जाए, सबसे पहले डबल बॉन्ड जहां से नजदीक पड़े उसको गिनिए। तो क्या बोलोगे इसमें? तो ये साइड चेन का नेमिंग बताओ क्या है? पहले तो थ्री नंबर पे प्रोपाइल, हाँ वेरी गुड, साइक्लो प्रोपीन या साइक्लो वन प्रोपीन भी बोल सकते हो, चलेगा, चलो वेरी गुड, कुछ कुछ तुम लोग सही से बता दे रहे हो। चलो देखो इसका नेमिंग, ये दे देते हैं उनको घर से करने के लिए, नहीं तो बहुत ज्यादा हो गया। वही सोच रहे, ये सब लिखना, चलो घर से करना, ये सब याद रखना, बहुत मेहनत वाला क्वेश्चन हो गया, अपने कॉपी से दे रहे, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में दम है बच्चे लोग, ऐसे ही नहीं बन पाएगा, मेहनत करना पड़ेगा इस सब में, और यहां मेहनत कर लोगे एक बार, आईपीएससी ने भी एक बार मेहनत करना है और जिंदगी भर काम देगा जब तक पढ़ोगे साइंस। डबल बॉन्ड को स्थान पहले दिए गए, चलिए हो गया।
क्वेश्चन इतना ही आपको दे रहे हैं, बस ज्यादा नहीं। चलिए कल से स्टार्ट करेंगे हम फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस। आज इतना ट्राई कीजिएगा, और आपके पास जो बुक में क्वेश्चंस हैं उसको भी ट्राई करना।